हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ क्लास सेकेंड। मेरे बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड का एनवायरमेंटल स्टडीज स्टार्ट कर रहे हैं, ईवीएस। सब बच्चे रेडी हो जाएंगे। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हम इसमें पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3, विच नेम इज ग्रोइंग अप, यानी विकास करना, ठीक है ना। यानी विकास के बारे में, यानी कैसे जीवित पक्षी और मनुष्य और पौधे किस प्रकार से अपना विकास करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ा रहे थे। तो मैंने ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी ये वाला पैराग्राफ जो आपको पढ़ा दिया था, कैसे एग से अंडा निकल, यानी कैसे एग से पक्षी निकलता है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया था, कैसे पक्षी बन जाता है, ठीक है ना। ए बर्ड ग्रो फ्रॉम एन एग, यानी एक अंडा, एक अंडे से क्या निकलता है, पक्षी निकलता है ना, यानी एक अंडे से एक पक्षी का विकास होता है। तो यानी मैंने आपको, कहने का मतलब है आपको, मैंने जो है पेज नंबर 13 तक, यहाँ तक आपको फिनिश करा दिया था, और आज हम पढ़ेंगे इसमें आगे, ठीक है ना बच्चों। आगे आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14 से। तो चलिए बच्चों, आज हम इस लेसन को फिनिश कर लेते हैं, ठीक। बाद में इसकी एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट करा दूंगा। कुछ यहाँ पर देखिए, मेरे साथ साथ ध्यान देंगे, सब बच्चे देखेंगे। आफ्टर फ्यू ईयर्स, यानी कुछ सालों के बाद, आई विल बी एज ओल्ड एज माई एल्डर ब्रोदर। आई विल बी एज ओल्ड, यानी मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा एज माई एल्डर ब्रोदर, जैसे कि मेरा बड़ा भाई, ठीक है ना। यानी ये छोटा भाई कह रहा है कि कुछ सालों के बाद मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा जितना बड़ा कि मेरा भाई, ठीक है ना। ये भाई आपको बड़ा दिखाई दे रहा है इससे, तो कह रहा है कि मैं कुछ सालों के बाद इतना बड़ा हो जाऊंगा जितना बड़ा मेरा भाई मुकेश। इसका नाम क्या है, मुकेश। ही इज 13 ईयर ओल्ड, यह 13 वर्ष का है। ही इज 13 ईयर ओल्ड, यह 13 वर्ष का है। ही इज ए टीनेजर, और बच्चों यह एक टीनेजर है। टीनेजर मीन्स होता है बच्चों किशोरावस्था में जो बालक होता है उसे टीनेजर कहते हैं, ठीक है ना। तो यह एक टीनेजर है। वुमेन्स बिटवीन 13 and 19 ईयर्स ऑफ एज और कॉल्ड टीनेजर। टीनेजर क्या होता है बच्चों, यानी मानव बिटवीन 13 and 19 ईयर्स, यानी वह व्यक्ति जो 13 और 19 के बीच में होता है, जिसकी एज 13 और 19 के बीच में होती है, 13 से ऊपर होती है और 19 से नीचे, 19 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और कॉल्ड टीनेजर, यानी वह किशोरी कहलाता है, यानी वह किशोरावस्था में होता है, ठीक। यानी वह व्यक्ति जिसकी एज 13 और 19 के बीच में होती है उसे हम किशोरावस्था में कहते हैं या किशोरी कहते हैं, उसे टीनेजर कहते हैं। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, आई विल ग्रो इनटू ए मैन लाइक माय फादर। आई विल ग्रो, यानी मैं विकास कर लूंगा इनटू ए मैन, एक व्यक्ति में, लाइक माय फादर, मेरे पिताजी की तरह। यानी भी कह रहा है कि कुछ सालों के बाद मैं एक पुरुष के रूप में अपने पिताजी के समान हो जाऊंगा, ठीक है ना। आई विल लुक लाइक हिम, और मैं उनकी तरह दिखाई दूंगा, किनकी तरह, अपने पिताजी की तरह। यानी वह बच्चा कह रहा है कि मैं कुछ सालों के बाद अपने पिताजी की तरह दिखाई दूंगा, उनकी उम्र का हो जाऊंगा। देन आई विल बी कॉल्ड एन अडल्ट, और तब मैं एक वयस्क कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा, वयस्क। अडल्ट मीन्स होता है जो वयस्क, यानी जब एक पुरुष बन जाता है व्यक्ति पूरा, तो उसे हम जो है अडल्ट कहते हैं, वयस्क कहते हैं। आफ्टर सम मोर ईयर्स, और कुछ और सालों के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद, सम और मोर यानी सामान्य, कुछ मोर मीन्स और, ईयर्स सालों यानी कुछ और सालों के बाद, व्हेन आई बिकम वेरी ओल्ड, जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, आई विल लुक लाइक माई ग्रैंडफादर। सो आई विल लुक, मैं दिखाई दूंगा या मैं दिखूंगा लाइक माई ग्रैंडफादर, अपने दादाजी की तरह, ठीक है ना। यानी वो कह रहा है बच्चों, जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने दादाजी की तरह दिखाई दूंगा। दिस इज माई सिस्टर संगीता, यह मेरी सिस्टर संगीता है। सी इज ए गर्ल, और यह एक लड़की है। यहाँ पर बच्चों लड़की बनी हुई है संगीता, इसका नाम संगीता है। राघव कह रहा है कि दिस इज माई सिस्टर संगीता, यह मेरी सिस्टर संगीता है। सी इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। सी वॉज ऑल्सो ए स्मॉल बेबी, और यह भी एक छोटी बच्ची है। वैन
सी वॉज बोर्न जब यह पैदा हुई थी। बच्चों कह रहा है कि संगीता मेरी सिस्टर है और वह एक लड़की है और जब वह पैदा हुई थी तो वह एक बालक थी। सी इज नाउ 9 ईयर ओल्ड और वह अब 9 वर्ष की है, यानी जो उसकी उम्र है इस समय वो 9 वर्ष की है जबकि वह एक बालक के रूप में पैदा हुई थी। When she grow up, जब वह विकास करेगी, she will become a woman, तो वह एक औरत बन जाएगी। कब बन जाएगी बच्चों? जब उसमें विकास होगा, ठीक है ना। she will look like my mother और वह मेरी माता की तरह दिखाई देगी। तो बच्चों राघव कह रहा है कि संगीता मेरी सिस्टर है और जब वह पैदा हुई थी वह एक बच्ची थी, वह एक बालक थी, लेकिन अब वह 9 वर्ष की है, 9 साल की है और जब वह विकास करेगी, जैसे उसका विकास चल रहा है, सी विल बिकम ए वुमेन, वह एक औरत बन जाएगी। सी विल लुक लाइक माई मदर और वह मेरी माता की तरह दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे हमारे शरीर का विकास होता है, ठीक है। हम एक बालक के रूप में पैदा होते हैं, बालक से फिर हम बच्चे बन जाते हैं, यानी नासमझ बच्चे होते हैं उस समय। उसके बाद बच्चों हम 13 वर्ष और 19 वर्ष के बीच में टीनेजर कहलाते हैं, यानी हम किशोरी कहलाते हैं। हमारी किशोरावस्था 13 से स्टार्ट हो जाती है और बच्चों उसके बाद हम अडल्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। जब हमारी किशोरावस्था खत्म हो जाती है तो हम जो है अडल्ट बन जाते हैं। अडल्ट मीन्स होता है बच्चों वयस्क व्यक्ति, यानी एक पूर्ण पुरुष बन जाते हैं हम, ठीक है। और जब हम और अधिक उम्र के होने लगते हैं तो हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ओल्ड मैन बन जाते हैं, यानी बूढ़े व्यक्ति बन जाते हैं। बच्चों इस तरह से हमारा शरीर विकास करता है। आगे देखेंगे, आगे है बच्चों राघव विद हिज मदर एंड सिस्टर, यानी यहाँ पर राघव, ये राघव है विद हिज मदर एंड सिस्टर, यानी अपनी मम्मी के साथ और बहन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ राघव की ये माता है और ये बहन है, तो राघव अपनी माता और बहन के साथ है। राघव विद हिज फादर एंड ग्रैंडफादर, राघव अपने पिताजी के और ग्रैंडफादर के साथ। देखो जो राघव कितना छोटा है ना, और इसके पिताजी क्या हैं, वयस्क हैं, पुरुष हैं, और इसके जो दादाजी हैं वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्हें चलने के लिए भी डंडी का सहारा यानी लाठी का सहारा लेना पड़ा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बच्चों राघव बड़ा होगा तो वह टीनेजर में आएगा, उसके बाद यह है जितनी उम्र की पिताजी की है उस उम्र में आएगा, उसके बाद यह बूढ़ा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर संगीता है इसकी सिस्टर राघव की, और ये क्या होगी, जैसे जैसे बड़ी होगी तो अपनी मम्मी की उम्र में आ जाएगी, उसके बाद ये क्या होगी और बड़ी होगी तो एक बूढ़ी औरत के रूप में हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलेंगे, कुछ कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी सभी लिविंग थिंग्स, सभी जीव क्या करते हैं, विकास करते हैं। ए बेबी बॉय ग्रोस इनटू ए मैन, यानी एक बालक, एक लड़का जो बालक है ग्रोस इनटू ए मैन, एक व्यक्ति में, एक पुरुष में बदलता है या उसमें विकास करता है, किसमें, पुरुष में विकास करता है। स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू बिग ट्रीज, छोटे पौधे बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं या विकास करते हैं। आवर नेचर चेंजेस एज वी ग्रो ओल्डर, यानी आवर नेचर हमारी प्रकृति चेंजेस परिवर्तन लाती है एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बच्चों क्या हो जाते हैं बड़े होते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे ही हमारा जो नेचर है वो हमारे अंदर क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या है, बेबी है, ये बालक है, ठीक है ना, छोटा बच्चा है बिल्कुल, ये बालक है यहाँ पर जिसे हम बेबी कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा हुआ, धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ी तो ये चाइल्ड बन गया। देखो चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और बच्चा क्या होता है जो ना समझ होता है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों जैसे जैसे इस बच्चे की उम्र बढ़ी तो यह बच्चों इतना बड़ा हो गया, यानी यह टीनेजर में आ गया। टीनेजर मीन्स यह 13 और 19 ईयर के बीच में है, तो इसे हम टीनेजर कहते हैं, किशोरावस्था में कहते हैं। उसके बाद बच्चों ये और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ तो बच्चों क्या हुआ, अडल्ट बन गया। बच्चों देखो इतना बड़ा हो गया, ये पुरुष हो गया, ठीक है ना। अब ये पुरुष बन गया है बच्चों। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये और बड़ा हुआ और इसकी उम्र बढ़ी
तो ये ओल्ड मैन बन गया, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमें समझा रखा है कि किस तरह से एक छोटा बेबी एक ओल्ड मैन में विकास करता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इस लेसन को फिनिश कर लिया है एक, तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे इस लेसन की एक्सरसाइज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और अपनी स्टडी करते रहें।